लौंडा डांस करते करते दो युवकों को हुआ प्यार, प्यार होते ही दोनों ने मंदिर में रचाई शादी, समलौकिक विवाह को परिजनों ने दिया ना मंजूरी। वहीं बता दे आपको कि लड़का लड़की के बीच प्रेम होने के बाद चुपके चुपके प्यार रचाने का किस्सा तो सुना ही होगा आपने। वहीं बता दे आपको कि लेकिन समलौकिक लोगों के बीच हुआ प्यार के बाद शादी करने का बात जो है वो शायद आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, ऐसा ही दिलचस्प व्याख्या जो है वो खगड़िया जिले से निकल के सामने आया है। वहीं बता दे आपको कि मानसी प्रखंड के झमटा में देखने को यह मामला जो है वो मिला है, जहां पर एक साथ लौंडा डांस करते करते दो युवकों के बीच पहले प्यार हो गया, प्यार दोनों के बीच इतना परवान पर चढ़ गया कि दोनों ने शादी कर ली, उसके बाद जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। डांस प्रोग्राम के दौरान अनंत कुमार और रुपेश कुमार दोनों पूर्णिया चले गए और कहीं ना कहीं पूर्णिया के मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे ले लिए। रुपेश को दुल्हा मानकर अनंत कुमार ने अपने मांग में सिंदूर भरवाई। वहीं दोनों शादी के 10 दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे। वहीं दुल्हन अनंत कुमार अकेले जब दुल्हा की लिवास में आज ससुराल झमटा आई तो सब हैरान और परेशान हो गए। वहीं देखा जाए तो जबकि दुल्हा जो है रुपेश फरार है, बाद में जब अनंत ने सारी कहानी रुपेश के परिजनों को बताई तो सभी के बीच जो है वो बीच बचाव करने लगे और कहीं ना कहीं वहीं जिसके बाद अनंत कुमार को उसके गांव बखरी भेज दिया गया। दोनों युवकों के परिजनों ने समलौकिक विवाह को मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दुल्हा रुपेश खगड़िया जिले के झमटा गाँव का रहने वाला है, वह एक बच्चा का पिता है, जबकि दुल्हन अनंत कुमार बेगूसराय जिले की रहने वाली है और दोनों ऑर्केस्ट्रा पार्टी में एक साथ काम करते थे। हालांकि हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर भरे युवक साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनंत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं कथित दुल्हा जो है वो सुने आप लोग। क्या ना आए लो तो यहाँ कौन के सटा कर गए पूर्णिया तोरा लग चल गए के वह खातिर मतलब कब अल हो यहाँ कते दिन से भागल 10 दिन तोर की नाम है आनंद आनंद कुमार भेस में तो केना चले नचनिया भेस में नचनिया घड़ी नचनिया हो छे की।